फाइनल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लाइट अपने डैड के फ्यूनरल में होता है और फ्यूनरल हो जाने के बाद लाइट अपनी सिस्टर को उसके आंटी के साथ भेज देता है और तभी लाइट को मेलो का कॉल आता है, यानी कि मेलो अभी भी जिंदा है। और तभी हम देखते हैं कि वातारी लाइट को वॉच कर रहा होता है और मेलो लाइट को बोलता है कि तुमने मुझे मारने का अच्छा प्लान बनाया था लाइट, या फिर मैं कहूँ कीरा, और तुमने ही डेटनो हत्याने के लिए दूसरे डेटनो पर हिमुरा का नाम लिखा ना, और तुमने ये भी लिखा कि हिमुरा मुझसे मिलेगी और मुझे और अपने आप को मारकर सुसाइड कर लेगी। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कीरा कि मैं बच गया। और तुमने ये भी प्लान बनाया था ना कि पुलिस वाले मुझे प्रोसिक्यूटर मिकामी के पास लेके जाएंगे और मिकामी मेरा असली नाम जानकर मुझे मार डालेगा, जैसे उसने उस दिन येल को मारा था। तो लाइट का कच्चा चिट्ठा खोलने के बाद लाइट इन सब बातों से डिनाई करता है और बोलता है कि तुम पर मेरे डैड को मारने का इल्जाम है, अब तुम नहीं बच सकते। तो मेलो उसको बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कीरा कि तुमने अपने डैड को ही मार डाला और उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते कीरा, क्योंकि अभी मेरी बारी है और मैं तुम्हें किसी न किसी तरह से मार ही डालूंगा। और बोलते वो फोन कट कर देता है। तभी वहां पर मोगी आ जाता है और लाइट को बोलता है कि कल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग होने वाली है और तुम्हें बयान देना है कि हिमोरा ने तुम्हारे डैड को कैसे मारा। तो लाइट ठीक है कहता है। और इसके अगले दिन मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है और मोगी उन सबको बता रहा होता है कि कल रात को हिमोरा जहाँ पर छुपी हुई थी वहाँ पर बॉम ब्लास्ट हुआ था और हमें हिमोरा के खून के साथ एक और ब्लड सैंपल मिला जो हमें लगता है कि वो मेलो का हो सकता है। और तभी मोगी लाइट को बोलने को बोलता है तो लाइट उन सबको बताता है कि कल हमने सायू को बचा के लाया था, इसलिए हम सब बहुत ज्यादा खुश थे और मेरे डैड ने प्लान बनाया था कि हम 3 मील घर पर लेके जाकर इस पल को सेलिब्रेट करेंगे। और मैं अपने डैड को पिकअप करने गया तभी मेरे डैड के पास हिमुरा आई और उनको बोली कि मुझे आपको मारने को मेलो ने कहा है, और ये बोलती वहां से भाग गई। और तभी डैड को हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गए। और लाइट की ये सब चूतियापंती पर ये सब यकीन कर लेते और मोगी अपने सुपरिंटेंडर को बोलता है कि हमें जल्दी मेलो को पकड़ना होगा क्योंकि वो इंजोर है और वो हॉस्पिटल ने तो ट्रस्ट हो जरूर गया होगा, तो वहां पर हमें उसका क्लू मिल सकता है। और इधर लाइट खुश हो रहा होता है कि अभी सभी पुलिस वाले उसके पीछे पड़ेंगे और उसकी खुशी अगेन ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि एक अनोन यूजर उसकी सीक्रेट जगह की फोटो शेयर करता है और देखते लाइट पैनिक हो जाता है। और तभी लाइट मिसा को कॉल लगाता है और उसको बोलता है कि मेलो को हमारी सीक्रेट जगह पता चल चुकी है और हमें जल्दी दूसरी जगह ढूंढनी होगी। और लाइट ये भी बोलता है कि हम तीनों की जान खतरे में है। और लाइट बोलता ही है कि तभी ए बेकाबू कार मिसा को कुचलने वाली होती कि तभी मिसा का मैनेजर उसको बचा लेता है और मिसा ये बात लाइट को बताती है। तभी लाइट मिकाबी को कॉल लगाता है और उसको सतर्क करता है। और तभी लाइट पर भी हमला होता है और लाइट किसी न किसी तरह से बच जाता है। और तभी लाइट को मिसा का कॉल आता है और वो बताती है कि मुझे एक सीक्रेट जगह मिल चुकी है। और तभी लाइट वहां पर जाता है और वहां पर मिकामी को भी बुला लेता है और लाइट उन दोनों को बताता है कि हम तीनों मिले हुए हैं, ये बात मेलो को पता चल गई है और हमें कैसे भी करके मेलो को मारना होगा। और मेलो को मार डालने के बाद मिसा तुम्हें कीरा काउंटर मेजर ऑफिसर्स को मारना है, तो मिसा मान जाती है। और इधर वातारी यल के सारे वीडियो मैसेज देख चुका होता है। तभी उसको मेलो का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम यल के सारे वीडियो मैसेज देख चुके होंगे तो तुम्हें पता है आगे तुम्हें क्या करना है। तो वातारी समझ जाता है और अपने काम पर लग जाता है। और वातारी कौन से प्लान पर लग जाता है ये आगे पता चली जाएगा। और उसके अगले दिन मासूरा लाइट को बताता है कि हमें पता चल गया है मेलो कहाँ पर छुपा है। तो तभी लाइट मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर मोगी अपने सीनियर्स को बताता है कि मेलो वाईबी वेयर हाउस में छुपा है। और ये बताते ही मोगी अपने फोर्स के साथ वहाँ के निकल जाता है। और तभी लाइट मिकामी को कॉल लगाता है और मेलो की लोकेशन बताता है
और तभी लाइट मिसा को कॉल लगाता है और मेलो के बारे में सब कुछ बताता है। तो मिसा उसको कहती है कि मेरा कौनसा खत्म होने के बाद मैं किरा काउंटर मेजर ऑफिसर्स को मार डालूंगी। तो लाइट ठीक है कहता है। एंड इसके बाद लाइट मोगी की टीम के साथ वेयरहाउस के पास पहुंच जाता है और तभी वहां पर मिकामी भी आ जाता है मेलो का असली नाम जानने के लिए। एंड दैट टाइम मोगी अपनी फोर्स के साथ अंदर ढावा बोलता है, तभी मोगी को मेलो गोली मार देता है और मोगी जख्मी हो जाता है। और तभी लाइट को एक आदमी पुलिस की ड्रेस पहनते हुए भागता हुआ दिखता है, तो लाइट उसका पीछा करता है और लाइट उसका पीछा करते करते दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। तभी मेलो अपना नकाब हटाता है तो नियर होता है और उसने मेलो बनने का नाटक किया होता है। और तभी नियर अपना सारा प्लान बताता है कि कैसे उसने मेलो बन के तुम्हारी बैंक को किडनैप किया ताकि मुझे सेकंड किला के बारे में और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल सके। और मैं जानता था कि डेड नोट मेरे हाथ लग गई तो तुम मुझे मारने के लिए और डेड नोट हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था। और तभी हम देखते हैं कि मिकामी नियर का असली नाम पढ़ लेता है जो कि होता है नाइट रिवर, और वो डेड नोट पर नाम लिख देता है। और 40 सेकंड बीत जाने के बाद भी नियर नहीं मरता है क्योंकि असली डेड नोट नियर के पास होती है और उसने वो मिकामी के ऑफिस से चुराई होती है। तभी नियर मोगी के पूरे स्क्वाड को वहां पर बुलाता है और वो सब वहां पर आते ही लाइट पर और मिकामी पर गन तान देते हैं। और मोगी लाइट को बताता है कि हमने नियर के साथ ये सब प्लान बना था। और मोगी लाइट को ये भी बताता है कि जिस दिन चीप मरे थे उस दिन उन्होंने हमें कहा था कि वो तुम्हारे पास कंपेस कराने जा रहे कि तुम ही कीड़ा हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं वहां पर मारा गया तो तुम लाइट की किसी बातों पर यकीन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और चीप को तुमने ही मारा होगा। तो लाइट कहता है कि ये सब झूठ है, मेरे डैड को हिमोरा ने मारा था। तो नियर बताता है कि हिमोरा एफबीआई एजेंट थी और वो एल के लिए काम करती थी। और तभी नियर वातारी को कहता है कि इसको एल का आखिरी वीडियो मैसेज दिखाओ। तो वातारी लाइट को वीडियो मैसेज दिखाता है एल का और एल लाइट को कहता है कि लाइट कुन, अगर तुम ये मेरा मैसेज देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि नियर ने साबित करके दिखाई दिया कि तुम ही कीड़ा हो। और मैं तुम्हें हमेशा ही कहता था और आज भी कहूँगा, एडमिट कर लो कि तुम हार गए और अपने अपराधों का प्रायश्चित कर लो या फिर डेड नोट पर अपना नाम लिख दो। और तभी मोगी गुस्से बोलता है कि लाइट तुम ही कीड़ा हो ना। और तभी लाइट अपनी लेजेंडरी हंसी हंसता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही कीड़ा हूँ। और लाइट ये भी बोलता है कि तो तुम क्या करोगे, मारोगे मुझे? तुम तो मुझे मार भी नहीं सकते। और पता है तुम लोगों में और मुझ में सिंपल कॉमन सेंस क्या है? तुम लोग जस्टिस को प्रेजेंट करते हो और मैं एविल को। और मैंने हजारों क्रिमिनल्स को मारा है जो तुम्हारा कानून कभी मार नहीं पाया उनको। और तुम्हें पता है मैं डेटो की मदद से पूरी दुनिया में शांति ला सकता हूँ। और कीड़ा जब से अपेयर हुआ है तब से क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और इस दुनिया को कीड़ा की जरूरत है। और मैं इस दुनिया को ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर कोई भी क्राइम ना हो। तो नियर उसको कहता है कि ये तुम नहीं बोल रहे, ये डेटो तुमसे बुलवा रही है। तो लाइट उसको बोलता है कि अच्छा ये बात है, अगर तुम क्या करते तुम्हारे हाथ डेटो लगती तो क्या तुम मेरी तरह काम कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो नियर उसको बोलता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को नहीं मार सकता। और ऐसा एल भी सोचता था और वो बस ये जानना चाहता था कि तुम कीड़ा बने क्यों। तो लाइट कहता है कि मैं कीड़ा इसलिए बना ताकि उस दिन ओतोहारा से अपने डैड को बचा सकूं। और एक और बात, मैंने अपने डैड को नहीं मारा था, उन्होंने खुद अपना नाम डेड नोट पर लिखा था। तो नियर बोलता है कि तुमने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा। तो लाइट कहता है कि हाँ, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहे थे इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया। और तभी लाइट नियर को ये भी बोलता है कि मैं यहाँ तक पहुँचने के बाद हार नहीं सकता और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तभी लाइट मिकामी को इशारे करता है डेड नोट लेने के लिए
और मिकामी वैसा ही करता है तभी उसके हाथ को गोली लग जाती है और लाइट के हाथ डेटोट लग जाती है। और लाइट तभी उन सब के नाम डेटनो पर लिखने वाला ही होता है कि तभी मासुरा उसके हाथ पर गोली चला देता है और लाइट जख्मी हो जाता है। और लाइट गुस्सा हो जाता है, उन सबको बोलता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, और ये बोलते वो डेटनो की ओर बढ़ता है। तभी मोगी उस पर गोली चला देता है, उसको गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता है। और तभी मोगी अपनी टीम को कहता है कि यागामी लाइट को अरेस्ट कर लो। ये सुनते ही लाइट खड़ा हो जाता है और पेट्रोल का टैंक वहां पर गिरा देता है। और तभी मिकामी उस पेट्रोल पर आग लगा देता है और वो सभी के सभी वहां से भाग जाते हैं और लाइट वहीं पर रह जाता है। और तभी लाइट कैसे ना कैसे करके डेटनोट के पास पहुंच जाता है और डेटनोट को उठा लेता है। और डेटनोट आधी जल चुकी होती है, इसलिए लाइट का हाथ भी जल जाता है। और तभी वहां पर शिनिगामी, रेम और रुक आ जाते हैं। और तभी लाइट शिनिगामी आए के लिए रुक के साथ ट्रेड करता है, तो तभी रुक उसको बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। और लाइट डेटनो के साथ जल जाता है। और इधर डेटनो जल जाने से मिसाकी और मिकामी की डेटनो के बारे में जितनी भी यादें होती है वो सब इरेज हो जाती है। एंड इसके अगले दिन नियर और वातारी एल के श्राइन पर जाते हैं। और तभी वातारी नियर को एल का आखिरी वीडियो मैसेज दिखाता है जहाँ पर एल बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दे लाइट तुम पर मुझे शक करने के लिए, और नियर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और लाइट मुझे यकीन है तुम एक दिन अपने डैड की तरह होनार पुलिस ऑफिसर बनोगे या फिर तुम एक डिटेक्टिव बनकर नियर के साथ काम करोगे। और इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। और ये सुनकर नियर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तभी हल्का मैसेज अगेन स्टार्ट होता है और वो बोलता है कि मैं 0.1% श्योर हूँ कि ये वीडियो मैसेज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार मेरा आखिरी अलविदा नियर, और रियल के वीडियो मैसेज के साथ आखिरी एपिसोड यहीं पर एंड होता है।